अम्मी आपके सामने अलमारी में रखा था। अरे हम चारों के अलावा इस घर में और है कौन? कहाँ चलेगी? तुम कहाँ जा रही हो? क्या है ये? कहाँ से आया? किसने दिया तुम्हें? अम्मी वो बदबूती क्यों नहीं हो? किसने दिया है? तुमने सेट बेच के मोबाइल खरीद लिया? चोरी की है तुमने? चोरी की है? चोरी की है तुमने? मुझे ये बताओ कि तुम कॉलेज से कब वापस आओगी? आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। ओह नो इश्यूज। मैंने तुम्हें ये बताना था कि आज 5 बजे की मेरी फ्लाइट है। ओके हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। और मैं वहां से पिक्चर्स खींच के FB पर अपलोड कर दूंगी और मैं हमेशा की तरह लाइक करती रहूंगी उन्हें। वंडरफुल। चलिए मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं लेट हो जाऊंगी। ओके बाय बाय। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई मिस यू। यार मायरा नहीं आया अभी तक। मैसेज कर रही तो जवाब नहीं दे रही, कॉल कर रही तो रिसीव ही नहीं कर रही। एक बार और ट्राई करो ना। रुको मैं उसे फोन करती हूँ। लो अब नंबर ही ऑफ जा रहा है। ओ मैं भूल ही गई, आज उसकी अम्मी की फ्लाइट। तो तुम्हें पहले याद दिलाना था ना। सॉरी। तुम भी। आज मम्मी भी जा रही हैं। तो that's a good news, huh? हाँ, मेरा मम्मी और डैड के साथ कोई ऐसा खास बॉन्ड तो है नहीं, so पानी है? Always सोच रहा था कि असद के अपार्टमेंट में चल। अरे वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। खाना तो तकरीबन सारा बन गया है, बस अब बस और मीठा बना लो। तुम कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती हो। अम्मी जो कुछ बन गया वो काफी है, क्या जरूरत है कुछ और बनाने की? मैडम क्लास क्यों नहीं आई थी तुम? तुम्हें पता है ना मुझे मैथ्स कितना बोरिंग लगता है। तो तुम मुस्कुरा मुस्कुरा कर किससे बातें कर रही हो? शाहनवाज से। शाहनवाज कौन? तुम भूल गई उस दिन मायरा के साथ उनके फ्रेंड आए थे ना दानिश, वहीं के साथ आया था। नमस्ते। तो तुम पहली बार मिली थी, उससे बातें कैसे करना शुरू हो गई? उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली और फिर बातें करना शुरू हो गई। हाँ क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा था। तुम्हें उससे प्यार हो गया क्या? यार प्यार का तो पता नहीं,
पर मुझे इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है महर, उस दिन ट्रिप पे जब वो मुझे पहली बार मिले थे, उनकी सारी बातें याद है। उनका मुस्कुराना, शर्माना, उनकी एक एक बात मुझे झलकियों की तरह याद आ गई। याद क्या तुझे को दिलाए। असल कीमत तोहफे की नहीं होती, उसके पीछे छुपे जज्बात की होती है। मेरे पास मोबाइल होता ना तो कोई ना कोई मेरा भी दोस्त बन चुका होता। मैं भी उससे बातें करके एंजॉय कर रही होती। अब क्लास में जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे सब बताओ। और ये मायरा कहाँ है? पता नहीं। तुमने ना समझ लिया ना? मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी चाहूँ? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्यों पूछ रही है? होने दे जो हो रहा है। वैसे भी जिंदगी गुजारनी गुजार लूंगी। अपना दिल बुरा मत करो। मुश्ताक अच्छा लड़का है, खुश रहोगी तुम उसके साथ। खुश रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है? सबको तो हंस के दिखाना है ना कि मैं खुश हूं। अम्मी खुशबख्त अपनी कुर्बानी दे रही है। हाजी अब्बा ने जो कहा सर झुका के मान लिया, मगर महर के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां जिंदगी गुजारना चाहेगी, अपनी जिंदगी का जो फैसला करना चाहेगी, जितना पढ़ना चाहेगी वो पढ़ेगी। और आप हाजी अब्बा के सामने डट के खड़ी हो जाएंगी और उसका साथ देंगी। मेरी तरह उसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगी। वादा करें अम्मी, वादा करें। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। पागल हो गया क्या? गलती से मेरा हाथ लगा दीजिए। अचानक से बहाने बना रहे हो अब तू है? नहीं मुझे भी जाने। आप किधर जा रहे हैं? मैं दूसरी बस ले लूंगी। घबराओ नहीं मैडम, उनको उतार दिया। आप आराम से बैठो, हम यहाँ पर है। बैठो बैठो, आराम से बैठो। चुपके उस्ताद, चुपके।
नजरों से तुम ना हमको देखो मर जाएगा, खुदा का कसम मर जाएगा। हेलो आनी, बहुत देर लगा दी बेटा तुमने, मुझे परेशानी हो रही थी। मम्मी चली गई? हाँ चली गई। आप जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाओ, मैंने पास्ता बनाया है। नहीं मुझे नहीं खाना, कमरे में जा रही हूँ। I'm fine. चली गई है। जी हाँ हाँ, सो रही थी मैं। या आई वाज स्लीपिंग। ओके बाय। कितने मजे के कबाब है, मैं थोड़ा सा ले लूं? अरे इसमें से क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें और बना देती हूँ। प्लीज मैं ले लूं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। खाना पीना लेके फौरन अंदर आओ मेहरू। मैं क्यों लेकर आऊँ, ये लेकर जाएगी ना। हाजी अब्बा ने मना किया है और कहा है ठीक है ठीक है, जो हुक्म मिल चुका है होना तो भाई है, अभी लेकर आती हूँ। तौबा है तुमसे तो। आंटी ये लें। हाँ जी अब्बा। जी साहब, रबी लवल की 14 तारीख को हम बारात लेकर आ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अल्लाह दोनों बच्चों को सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। हाजी साहब आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। वो हाजी साहब, हम फैसला करके आए हैं कि एक दफा फिर आपके सामने झोली फैलाएंगे। ये हुक्म कीजिए। हम अपने छोटे बेटे सलाउद्दीन के लिए आपकी छोटी पोती का हाथ मांगना चाहते हैं। हाजी साहब मना मत कीजिएगा। उस दिन तो मिली थी, अब कैसे ढूंढूं उसे। काश वो आज भी आ जाए, पता नहीं अब कब नजर आएगी। माराए ते मारा, अरे डांस करके दिखा, शाबाश शहजादे। डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ। आजा 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 शहजादे, ये शहजादा है भाई हमारा शहजादा। इसकी शहजादी से रूठ गई है, जरा मनाओ, अपनी शहजादी को मना के दिखाओ, मना के दिखाओ शहजादी को। शाबाश, देखो ए नाच के दिखा,
नाच के दिखा, नाच के दिखा। तो गाइस, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उठो दिखाओ यहाँ से। मैं तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छी पागल है तुम, कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने आने की, जान छोड़ो मेरी, उठो जाओ यहाँ से। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करती है, ऐसे एक्टिंग करिए ताकि मुझे ऐसा लगे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और गुस्सा हो रही है। मेरा दिमाग खराब मत करो, मत आया करो मेरे पीछे, जा जाओ तुम आ जाते हो, उठो यहाँ से जाओ, उठो। तुम मुझसे प्यार करती है ना, बस एक बार बोल दे तुम मुझसे प्यार करती। खुदा का वास्ता है, उठो यहाँ से, उठो अभी, चलो उठो, चला जाओ जाओ। कल रात से शाहनवाज का कोई मैसेज नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ होगा, अल्लाह करे ठीक होगा। मैसेज करती हूँ मैं। जाऊंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या नहीं करोगी? ये जो तुम्हारे सास ससुर सलाउद्दीन के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे ना, मैं कभी नहीं होने दूंगी। जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, कभी नहीं होने दूंगी। खुदा के लिए चुप हो जाओ, सुन लेंगे वो लोग। तो सुन ले वो लोग और चले जाएं यहाँ से। प्लीज चुप हो जाओ, हाजी अब्बा की बेइज्जती हो जाएगी। तो हाजी अब्बा की नाम निहाल बेइज्जती के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूं? क्या है, सारा घर सर पे उठा रखा है, इतने जोर जोर से बोल रही हो, क्या हो गया है? तुम दोनों ने क्या शोर मचा रखा है? ये क्या बकवास कर रहे थे ये लोग? खामोश हो जाओ मेरू। मैं खुशबख्त नहीं हूँ जो खामोश रह जाऊंगी, मैं महर हूँ, कभी खामोश नहीं रहूंगी। अभी उन दोनों के सामने और हाजी अब्बा के सामने कह दूंगी कि नहीं करनी मुझे उन दोनों के बेटे से शादी वादी। अरे हाजी अब्बा ने अभी हाँ तो नहीं की ना, उन्होंने भी कुछ वक्त मांगा है। अच्छी तरह समझा दे हाजी अब्बा को, अगर उन्होंने इनकार नहीं किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे वो लोग। हेलो, कौन? मुझे आप आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन। नूर जी, ये बताएं सब ठीक है ना? आप सब ठीक है, लेकिन आप पैसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो आज आप ऑनलाइन नहीं आए ना? वो घर गया हुआ था ना मैं, तो उसकी फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं आ सका था। अच्छा, तो फिर तो फैमिली के साथ बहुत बिजी होंगे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो याद भी बहुत करेंगी। बीबी उन्हीं की दवाई लेने जा रहा था मैं। क्या हुआ उन्हें? वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा भी खुद एक बीमारी होता है। इतनी बूढ़ी हैं आपकी अम्मी? अम्मी नहीं, दादी, दादी अम्मा। ओ अच्छा। और सुनाओ। आप दवाइयाँ लेने जा रहे हैं तो ज्यादा बात तो नहीं हो सकती ना? हाँ ठीक है, मैं आपसे रात में फेसबुक पे बात करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सुने जी, अपने घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। दोनों भाई एक ही बाप की औलाद है, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुश्ताक माशाल्लाह हाफिज कुरान है, दीन और दुनिया दोनों को खुश असलूबी से निभाना जानता है। तो इसका मतलब यह है कि सलाउद्दीन अच्छा लड़का नहीं? ना ना ना, कैसी बात है कर रही हो, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों बहनें साथ रहेंगी।